ओम शांति। इस अव्यक्ति मास में बाबा हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति बनाने की विशेष प्रेरणा देते हैं और अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है कि व्यर्थ और व्यक्त से स्वयं को मुक्त करें। क्योंकि बाबा ने इस मास को विशेष वरदान दिया है, सर्वसमर्थी भव। सर्वसमर्थी का अनुभव करने के लिए व्यक्त बातें, व्यर्थ बातें, व्यर्थ विचार हम सभी बच्चों की स्थिति को अव्यक्त होने नहीं देती है और उसके लिए विशेष अभ्यास हमें यही करना होगा कि जिस तरह मुख का मौन रखते हैं, साइलेंस में रहने के अभ्यासी बनते हैं, वैसे ही मन का मौन आवश्यक है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्पों का अमूल्य खजाना दिया है, परंतु ये खजाना सभी व्यर्थ संकल्पों में क्षीण हो जाता है, उसकी शक्ति का, समर्थी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिस तरह व्यर्थ की बातें आंतरिक शक्ति को क्षीण करता है, इसी प्रकार ये व्यर्थ विचार भी हमारे मनोबल को, मन की शक्ति को क्षीण करता है। हम आत्माओं को श्रेष्ठ स्थिति तक, उस मंजिल तक पहुंचने नहीं देता है और मुख का और मन का मौन रखने के लिए आवश्यकता है कि जो भी व्यर्थ विचार मन के अंदर चलते हैं, उन व्यर्थ विचारों को फुल स्टॉप लगाना है। लेकिन ये फुल स्टॉप तभी लगेगा जब हम अपने सभी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं। मन को भटकाने वाले भी अनेक इंद्रियां हैं, अनेक इच्छाएं हैं। जब ये आंखें व्यर्थ की बातों को देखते हैं, देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थों को देखने लगते हैं, उसमें हमारी रुचि बढ़ जाती है, तो अवश्य ये संकल्पों को भी चलने के लिए मजबूर करते हैं। इसीलिए अंतर्नयन से हम अपने मीठे बाबा को, अपने मीठे वतन को अपने नैनों के सामने रखें, लक्ष्य यही रखें कि अब हमें भी घर जाना है। तो जब ये अंतर्नयनों के सामने रहेंगे तो बाहर की दुनिया की बातों को देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे और सहज ही अपने मन को उन
आकर्षणों से उपरांत कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि मन को ये व्यर्थ दृष्टि से या दृष्टि में जो व्यर्थ पनपता है उसको हमें न्यारा कर देना है। उसके साथ साथ व्यर्थ बातें, व्यर्थ बोल भी, अनेक रीति से मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ और व्यक्त की बातों से मुक्त रहने के लिए हमें मुख का मौन भी आवश्यक है, परंतु तब चिंतन में क्या चलेगा, क्योंकि अगर मन को खाली कर दिया, उसको दिशा नहीं दिया, तो वो तो वापस अपनी आदत के मुताबिक उन्हीं बातों में, उन्हीं दृश्यों में चला जाएगा। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, मुरली और अनेक प्रकार की श्रेष्ठ शिक्षाएं मिली हैं। ये अव्यक्त मास में बाबा का ये श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके मुरली को साथी बना ले, जितना हो सके मुरलियों का अध्ययन करें। जितना हमारे मुरली का अध्ययन होगा, मुरली से प्यार होगा, तो स्थिति सहजता से अव्यक्त बनने लगेगी, क्योंकि ये मुरली हमें नित्य समर्थ विचारों का, समर्थ चिंतन का, समर्थ संकल्पों का भोजन देती है, आवश्यकता है कि हम ये व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने के लिए अपने मन को दिशा दे दे। दूसरी बात, जितना हो सके अंतर्मुखी होने के अभ्यासी बने। भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को स्थित करें। यह अंतर्मुख की गुफा तपस्या के लिए बहुत उपयुक्त होगी। सहज ही मन को बाहर के दृश्यों से, बातों से भीतर ले जाएं और उस अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर सहज ही हम अपने मन को याद की तपस्या में लगा सकते हैं, क्योंकि जितना याद के अभ्यासी बनते जाएंगे, बहुत काल का ये अभ्यास होने लगेगा, उतना ही हमारी तपस्या फलीभूत हो जाती है और सहज ही हम बाप समान बनकर जो बाबा की आश है कि हर बच्चा मेरे समान बन जाए, उस आश को भी सहजता से पूर्ण कर सके। तब कहा कि यह अंतर्मुखता अर्थात
मुख के ऊपर जो मुख्य इंद्रियां हैं उसको समेट कर भीतर ले चले। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी होकर, अभ्यास करते हैं समर्थ संकल्पों के साथ बाप समान बनने का, स्वयं को आत्मनिश्चय करें, और सभी कर्मेंद्रिय को समेट कर अंतर्मुखता की गुफा में, ब्रुकुटी के मध्य में मैं श्रेष्ठ तपस्वी आत्मा हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को उस दिव्य लोक की ओर, अपने घर में परमधाम में ले चलते हैं। मैं अशरीरी आत्मा मन बुद्धि के आधार से इस अंतर्वाहन से परमधाम की ओर स्वयं को शिव बाबा के सन्मुख देख रही हूं। सर्व समर्थ बाबा मुझ आत्मा में, सर्व समर्थी भर रहे हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ समर्थ आत्मा बनती जा रही हूं। सर्व समर्थियों से स्वयं को भरपूर करती हूं। कितनी सुंदर अनुभूति है ये, सर्व समर्थियों में मैं आत्मा रमण करती हूं, समाई रहती हूं। ओम।